Hello everyone, welcome to Elite Gurukul. Myself Vipul sir, and today I am going to teach you algebra of standard 10. So let's start. We have started chapter number 5, probability of 10th standard algebra. उसमें हमने दो टॉपिक देख लिए हैं. आज हम तीसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इवेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट. तो पहले हम लोग इवेंट के बारे में समझेंगे कि इवेंट क्या होते हैं, और बाद में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट. जैसे हमने सैंपल स्पेस देखा था और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखा था, वैसे ये इवेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट. तो पहले देखते हैं इवेंट क्या है. ठीक है, देखो उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है. द आउटकम्स सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है, अब इसमें लिखा क्या है कि द आउटकम्स सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन, मतलब अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई आउटकम, तो ऐसे आउटकम को हम लोग फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं. तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. देखो एग्जांपल है, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एच और टी. क्योंकि अगर एक कॉइन उछालते हैं तो मेरे पास क्या आउटकम क्या आने के चांसेस है, तो हेड या तो टेल. तो ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ. ठीक है, बट हियर इफ वी अप्लाई कंडीशन, अगर इस क्वेश्चन में एक कंडीशन अप्लाई करता हूं मैं, जो कि कंडीशन ये है, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वी गेट ओनली हेड. अब यहां मैंने क्या कर दिया, कंडीशन अप्लाई कर दिया कि अगर मैं जब एक कॉइन उछालता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना चाहिए, ओनली हेड मिलना चाहिए. तो जब मैं कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगाता हूं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन लगाने के बाद उस कंडीशन का भी कोई आउटकम होगा. ठीक है, तो उन्हीं आउटकम को हम लोग क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं. तो अगर मैं इस फेवरेबल आउटकम का सेट लिखता हूं, ठीक है, अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस. जैसे सैंपल स्पेस यहाँ पर क्या है, तो व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, तो उसका हेड और टेल सैंपल स्पेस हुआ. तो इस सैंपल स्पेस में से अगर एक इस फेवरेबल कंडीशन, जो पर्टिकुलर कंडीशन है, उसका अगर फेवरेबल आउटकम का मैं सेट लिखता हूँ, उसी सेट को मैं क्या कहता हूँ, इवेंट कहते हैं. क्या कहते हैं, इज एन इवेंट. समझ में आया. ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्सेट्रा. ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए बी सी से एक्सेट्रा, और यहाँ ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि आप कैपिटल एस को यूज नहीं कर सकते इवेंट में, क्योंकि कैपिटल एस किसके लिए यूज होता है, सैंपल स्पेस के लिए. सैंपल स्पेस को, सैंपल स्पेस के सेट को डिनोट करता है वो. ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट से ए, अगर मुझे इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए. जैसे सैंपल स्पेस का हम लोग सैंपल पॉइंट लिखते थे नंबर ऑफ एस, वैसे कोई भी इवेंट अगर आपको दिया है, जैसे कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, कोई बी हो सकता है, सी हो सकता है, तो उनको आप कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ ए. अगर बी रहा तो नंबर ऑफ बी, सी रहा तो नंबर ऑफ सी, वैसे. ठीक है, तो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था यहाँ पर, उस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पे दिखाया हुआ. देखो इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवन कॉइन इज टॉस्ड वी गेट ओनली हेड. तो अगर मुझे इस इवेंट को लिखना है, ठीक है, इस इवेंट के सेट को लिखना है, और इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करना, नंबर ऑफ इवेंट ए को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो पहले आपको सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा. सैंपल स्पेस इसका क्या है कि एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, तो क्या आ सकता है, हेड और टेल, ये दोनों आ सकता है. अब मुझे कंडीशन क्या बोली है कि वी गेट ओनली हेड, मतलब उस इवेंट में क्या लिखा हुआ है कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक हेड चाहिए. तो ए इक्वल टू क्या लिखा, देखो सिर्फ एच लिख सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे टेल बोला ही नहीं है, उन्होंने बोला सिर्फ हेड मिलना चाहिए. तो हेड मिलने के इसमें से कौन से चांसेस है, यही वाला है, इसलिए क्या लिख दिया, एच लिखा. तो नंबर ऑफ ए कितना रहेगा, वन रहेगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए कितना रहेगा, एक ही रहेगा. यहाँ पे एक नोट करने की बात क्या है कि इवेंट जो है इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. सीधे सीधी बात है कि जो इवेंट जो होता है, ये इवेंट ये सबसेट है इसका, सैंपल स्पेस का. सीधी सी बात है, क्योंकि इवेंट के जो एलिमेंट है वो सारे सारे एलिमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, सैंपल स्पेस के एलिमेंट में मिलेंगे. ठीक है, इसलिए हमने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है कि सबसेट मतलब क्या होता है, कि एक ऐसे सेट के एलिमेंट जो दूसरे सेट में मौजूद हो, पूरे के पूरे, सारे के सारे. ठीक है, समझ में आया. तो ये तो थोड़ा सा इवेंट के बारे में था. ठीक है, समझ में आया आपको. इसी चैप्टर में इसी इवेंट के बारे में आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन में कुछ इवेंट कंडीशंस दी रहेगी. ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशंस दिया रहेगा, उस कंडीशन के आपको क्या लिखने देंगे, आंसर्स लिखने देंगे. ठीक है, चलो फिर हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है. राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन एस
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि आपको सैंपल स्पेस एस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एन एस लिखना है हर एक एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उनके। एंड ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी एंड सी इन द सेट फॉर्म। हम उन्होंने कुछ इवेंट्स भी दिए हुए हैं, तीन इवेंट्स दिए ए बी सी, उनको सेट फॉर्म में लिखना है और उनके ऑन राइट नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी। समझ आया? तो आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, उसमें इतनी चीजें आपको अटेम्प्ट करनी है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, पहला क्वेश्चन ये है कि वन डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया। ठीक है, तो उनमें क्वेश्चन में पहला इवेंट है इवेंट ए, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ओके, इवेंट बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ओके, इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन है, एक डाई को रोल किया गया। ठीक है, तो आपको पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, एस और नंबर ऑफ एस लिखने हैं। उसके बाद तीन इवेंट्स दिए, उन तीनों इवेंट को सेट फॉर्म में लिखना है और उनके नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी लिखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको तीन इवेंट क्या क्या दिए हैं, पहला इवेंट है इवन नंबर ऑन द अपर फेस, दूसरा इवेंट है यानी इवेंट बी जो है वो ऑड नंबर ऑन द अपर फेस और इवेंट सी जो है वो प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अब कैसे लिखते हैं इसको, इस क्वेश्चन के आंसर्स को, वो भी दिखा रहा हूं। तो मैंने जैसे बोला था, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन में क्या लिया, एक डाई इज रोल्ड, वन डाई इज रोल्ड, उसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा, एक दो तीन चार पांच छह, क्योंकि एक डाई में आउटकम कितने आ सकते हैं, छह आउटकम आ सकते हैं। तो हमने वो छह आउटकम लिखे और उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखा, कितना है, सिक्स रहेगा। सबसे पहले चीज आपको यही करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इवेंट पे आना है। तो पहले हम देखेंगे इवेंट ए के लिए। ठीक है, देखो इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। जब मैं एक डाई रोल कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे कंडीशन दे दी, कंडीशन क्या दी है कि इवन नंबर आना चाहिए अपर फेस पे। अपर फेस से क्या आना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब जो टू के टेबल से या टू के नंबर से कट होते हो या डिवाइड होते हो। तो जैसे इस आपको इस सैंपल स्पेस में टू से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से दिखाई दे रहे, वन, वन तो नहीं हो सकता, टू हाँ ये हो सकता है, टू, थ्री भी नहीं हो सकता, फोर हो सकता है, फाइव नहीं हो सकता और सिक्स हो सकता। मतलब टू फोर और सिक्स ही है जो इवन नंबर है और इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका सेट फॉर्म में लिखूंगा। देखो तो देयरफॉर ए इक्वल टू टू फोर एंड सिक्स। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, एक दो और तीन एलिमेंट, तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ, तीन हो गया। बस आपका ये इवेंट का क्या हुआ, काम खत्म हुआ। अब आते हैं इवेंट बी पर। वैसे सेम आपको करना है, पहले आपको लिखना रहेगा इवेंट बी जो कि ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या बोली है कि अपर फेस पे ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर मतलब जो टू से डिवाइड ना होता हो, तो वो कौन है, वन है, थ्री है और फाइव है। तो देखो देयरफॉर बी इक्वल टू क्या लिखा, सेट फॉर्म में लिखा है वन थ्री और फाइव और इसमें कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बी कितना रहेगा, तीन रहेगा, सिंपल। अब देखते हैं इवेंट सी को। इवेंट सी में क्या बोला है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अब प्राइम नंबर मतलब आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है कि वो नंबर सिर्फ खुद के टेबल में आता हो और वन के टेबल में आता हो। तो ऐसा नंबर आपको यहाँ पे कौन से है, तो वो है टू है, थ्री है और फाइव है। ठीक है, तो देखो टू थ्री एंड फाइव, तो नंबर ऑफ सी कितने रहेंगे, थ्री रहेंगे। बस हो गया आपका ये क्वेश्चन का आंसर, सिंपल। तो इस तरह से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखोगे एनएस, बाद में हर एक इवेंट के पहले इवेंट ए उसका सेट फॉर्म लिखोगे और उसका नंबर ऑफ ए, फिर इवेंट बी उसका सेट फॉर्म उसका नंबर ऑफ बी, फिर इवेंट सी जो भी है आपको पर्टिकुलर कंडीशन वो लिखना है, देन सेट फॉर्म में लिखोगे और बाद में उसका नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सी मतलब उसमें कितने एलिमेंट है उस सेट में वो लिख दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर अटेम्प्ट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, टू डाइस आर रोल्ड। अब पहले क्वेश्चन में तो एक डाई रोल किया था, अब हम देखते हैं दो डाइस आर रोल्ड। तो उन्होंने पहला इवेंट दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स। ओके, इवेंट बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम टेन। ओके, एंड इवेंट सी द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो पहले समझ लेते हैं। टू डाइस आर रोल किया है, इवेंट ए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ सिक्स है। मतलब आपको दोनों डाइस के जो अपर फेस पे जो नंबर आएंगे उन दोनों को मिला के एक नंबर बनेगा, वो नंबर क्या होना चाहिए, छह का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब छह के टेबल में आना चाहिए वो। ठीक है, इवेंट बी क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम टेन।
मतलब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, दो जो डाइस गिरे हैं उसके अपर फेस पे जो दो नंबर आए हैं उन दोनों को मिला के उनका सम करने पर वो नंबर जो है वो 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। लिखा है ना, इज मिनिमम 10, मतलब मिनिमम 10 मतलब 10 होना चाहिए या 10 से ज्यादा, उससे कम नहीं। और इवेंट सी क्या बोल रहा है, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, अभी दोनों अपर फेसेस पे आपको सेम डिजिट आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या रहेगा, अगर दो डाइस रोल कर रहे हैं तो ये रहेगा सैंपल स्पेस एस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से करते करते 6 6 तक जाएंगे, तो इसमें नंबर ऑफ एस कितना हो गया 36, ये हमने देख चुके पहले। ठीक है, अब हम करेंगे इवेंट के बाद, इवेंट ए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ, जैसे मैंने बताया कि अगर अपर फेस दोनों डिजिट के अपर फेस पे जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर का सम करने पर जो आंसर आ रहा है वो आंसर जो है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 6 के टेबल में आना चाहिए। तो जैसे आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है, देखो 1+, जैसे कि यहाँ पे ये पहला लिखा है 1 और 1, तो 1+1 क्या होगा 2, 2 6 के टेबल में आता है क्या नहीं आता है, यहाँ पे देखते हैं। फिर आगे 1 और 2, यानी 1+2 कितना 3 होगा, 3 आएगा क्या 6 के टेबल में, नहीं। 3+1 4 होता है, 4 आता है 6 के टेबल में, नहीं। 1+4 5 होता है, तो ये भी 6 के टेबल में नहीं आता है। 1+5 6 होता है, हाँ, और 6 जो है वो 6 के टेबल में आता है, मतलब इस एलिमेंट को मुझे यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। 6+1 7 होता है, ये भी नहीं ले सकता। तो वैसे आप देखोगे 2+4, यहाँ देखो 6 होगा तो ये 6 के टेबल में आएगा। फिर यहाँ पे 3+3 6 होगा, ये भी आएगा 6 के टेबल में। फिर 4+2 ये वाला, ये भी 6 के टेबल, 4+2 6 होता है, 6 के टेबल में आता है। फिर 4 और 5+1 ये वो भी 6 होगा, प्लस ये 6+6 जो कि 12 होता है, और वो भी 6 के टेबल में आता है। तो इस तरीके से अगर मैं इसका सेट लिखता हूँ इवेंट ए का, तो आपको देखो ऐसा कुछ मिलेंगे, 1 5 मतलब 6 होगा, 2+4 6, 3+3 6, 4+2 6, 5+1 6, और 6+6 12, जो कि 6 के टेबल में आता है। मतलब इन सब डाइस के जो अपर फेस पे नंबर आए उनका सम करने पर जो आंसर आ रहा है वो है 6 के मल्टीपल। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नंबर ऑफ ए कितने हुए, 6 हो गए। समझा, सिंपल था। ठीक है, अब देखते हैं इवेंट बी के बारे में। इवेंट बी में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। जैसे मैंने बताया कि दो डाई के अपर फेसेस पे जो नंबर आए हैं उन दोनों को सम करने पर, ठीक है, सम करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर 10 होना चाहिए या 10 से ज्यादा होना चाहिए। अभी मिनिमम 10 बोला है, तो 10 से ज्यादा हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग सैंपल स्पेस में 1+1 2 होगा, नहीं ये नहीं ले सकते, यहां तक तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 6+1 7 होगा, ये भी नहीं ले सकते, 2+6 8 होगा, 3+6 9 होगा, ये भी नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं 4+6 क्योंकि ये 4+6 10 होता है और उन्होंने बोला मिनिमम 10 चलेगा। ठीक है, फिर 4+6 हो गया, 5+5 ले सकता हूँ, 5+6 ले सकता हूँ क्योंकि 5+6 11 होता है। फिर मैं यहाँ 6+4 6+5 और 6+6 ये तीनों ले सकता हूँ क्योंकि ये 10 होगा, ये 11 होगा और ये 12 होगा, और वो 10 से ज्यादा है। तो इस तरीके से मुझे कुछ मिलेंगे, देखो ये देखो मैंने लिखा हुआ है सेट में 4+6 10, 5+5 10, 5+6 11, ये भी 10 होगा, ये 11 और ये 12। ऐसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डी कितना हुआ, 6 हुआ, सिंपल। तो आपको इसी सैंपल ऑफ स्पेस में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना हुआ है, जो कंडीशन उन्होंने बोली है उस हिसाब से। अब देखते हैं इवेंट सी के बारे में, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। अभी दोनों डिजिट के अपर फेस पर क्या आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए। सेम नंबर तो पहले फर्स्ट ही है 1 1, देखो सेम नंबर है दोनों डिजिट पर, यहाँ पे 2 2, फिर 3 3, ये 4 4 5 5 और 6 6, और तो कोई है ही नहीं जहाँ पे दोनों डिजिट पे सेम नंबर आते हो, तो हमने लिख दिया उसको सेट फॉर्म में। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 है, तो नंबर ऑफ सी कितना हुआ, 6 हुआ, समझा। तो ये इतना सिंपल एक्सरसाइज है 5.3। बस खाली आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख दीजिए। बाद में 3 इवेंट दिए रहेंगे, मतलब उसी क्वेश्चन में से कुछ कंडीशंस दी रहेगी, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आउटकम, उसके आउटकम को आप लोगों को इवेंट के फॉर्म में और सेट के फॉर्म में लिखते जाना है, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देना लास्ट में। क्लियर हुआ, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ओके, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया। तो हमने सेकेंड टॉपिक में देखा था सैंपल स्पेस लिखते के टाइम, थ्री कॉइन्स का सैंपल स्पेस देखा था, ठीक है। अब इसके हम इवेंट देखते हैं क्या है, इवेंट ए, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है,
इवेंट बी टू गेट नो हेड, ओके, और इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। तो तीन कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो उनका हम लोग पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, ठीक है, इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे हम लोग, बाद में उसका नंबर ऑफ एस लिखेंगे, ठीक है, फिर हम तीनों इवेंट पे आएंगे एक करके। तो इवेंट ए में क्या लिखा है, टू गेट एटलीस्ट टू हेड, मतलब आपको उस सैंपल स्पेस में से, मतलब जब तीन कॉइन उछालते हैं तो कम से कम दो हेड मिलने वाले कितने आउटकम होंगे। इवेंट बी में नो हेड, ऐसा एक भी हेड नहीं आने वाला, कितने आउटकम होंगे, और टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, और सेकेंड कॉइन पे हेड आने वाले आउटकम कितने होंगे वो हम लिखेंगे सेट के फॉर्म में, और उनका नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते क्या है, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस। तो जब तीन कॉइन उछालते हैं तो उनका सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके का होता है, ये हमने सैंपल स्पेस वाले वीडियो में देखा हुआ है, ठीक है। तो एच 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 होगा, फिर पहले में टी, दूसरे में एच एच, फिर एच टी एच, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी ट्रिपल डी, इस तरीके से इसका सैंपल स्पेस बनता है। और इसमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, आठ है, तो मतलब नंबर ऑफ एस कितना हुआ, आठ हुआ, ठीक है। अब हम इवेंट पे आते हैं, इवेंट ए क्या कहता है, टू गेट एटलीस्ट टू हेड्स। अब हम देखेंगे सैंपल स्पेस में कि एटलीस्ट दो हेड मिलने वाले कितने आउटकम है। देखो यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे दो हेड, एच एच दो, तीन बार है बट दो हेड आ गए यहाँ पर भी, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है दो हेड, एक यहाँ पर है दो हेड, बट यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही हेड है, इसमें भी एक ही हेड है, इसमें भी एक ही हेड है, इसमें तो हेड है ही नहीं। तो हमें दो हेड वाले कितने आउटकम है, यहां से लेकर इतना ही, यही चार है। तो उसका हम लोग क्या कर लेंगे, सेट फॉर्म में लिख देंगे। तो सेट ए क्या होगा, एच एच एच, टी एच एच, एच टी एच और एच एच टी, और इसमें कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार, तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ, चार, सिंपल। अब आते हैं इवेंट बी पर, इवेंट बी में क्या बोला है, टू गेट नो हेड, मतलब मुझे तीन कॉइन उछाल रहा हूं तो मुझे एक भी हेड नहीं मिलना चाहिए। तो देखते हैं कहां हेड नहीं मिल रहा है, एक भी, यहां तो तीनों में हेड है, ये नहीं चलेगा, यहाँ पे दो हेड है, यहाँ पे दो हेड है, यहाँ पे भी दो हेड, ये तीनों भी नहीं चलेंगे, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है, ये तीनों भी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर तीनों टी है, एक भी हेड नहीं है, तो ये वाला जो आउटकम है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर बी इक्वल टू ट्रिपल टी, और कितना एलिमेंट हुआ, एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बी कितना होगा, एक होगा, सिंपल, समझा। अब हम देखेंगे इवेंट सी को, इवेंट सी में क्या लिखा है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। जब मैं तीन कॉइन उछालता हूं तो सेकेंड वाले कॉइन में मुझे क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए। तो लाइक हम देखेंगे, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड में एच है, हाँ ये ले सकता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड कॉइन में देखो एच है तो ये भी ले सकता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे सेकेंड कॉइन में टेल है तो ये नहीं ले सकता, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ भी एच है तो ये ले सकता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे टेल है ये नहीं ले सकता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखो यहाँ पर एच है ये ले सकता हूँ, ये नहीं ले सकता और ये भी नहीं ले सकता। तो जो जो लेने वाले हैं वो मैं उसको सेट में लिख दूंगा, तो कुछ इस तरीके से मुझे मिलेंगे। देखो हर एक के सेकेंड कॉइन पे क्या दिख रहे हैं आपको, एच एच ही दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, दो तीन चार, तो नंबर ऑफ से कितना हुआ, चार हुआ, समझ आया, इट इज वेरी सिंपल। खाली आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस पहले लिखना है, फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और तीनों इवेंट को एक एक करके अटेम्प्ट करते जाना है अकॉर्डिंग टू उन्होंने जो इवेंट में बोला है उस हिसाब से, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में एक्चुअली पहला क्वेश्चन जो चल रहा है उसमें छह क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने तीन क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या कर दिए, समझा दिए। अब तीन क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, होमवर्क करने हैं, और आप देखो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, समझ आया। और आप और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आपको मैं वहां पर आंसर्स उसके क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल लिट गुरुकुल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में ये बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।